शुरू करता हूँ इस अल्लाह के नाम से जो सबका मालिक है, सबका खालिक है और बहुत मेहरबान है। प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारी तारीख का, हमारे इतिहास का एक बहुत ही अहम दिन है। आज ही के दिन हमारे इस मुल्क को बहुत जबरदस्त कुर्बानियों के बाद आजादी मिली थी और जिन लोगों ने उस आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जहां तक हम उनके इतिहास और उनकी नियतों के बारे में जानते हैं, वो सत्ता के भूखे लोग नहीं थे, वो पैसे और पावर के पुजारी लोग नहीं थे। उनमें से बहुत से लोग फकीरी की जिंदगी गुजारते थे और ज्ञान और ध्यान, इल्म और फिक्र उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी माया थी। और इस बिना पर, जिस वजह से उनको इस देश को आजाद कराने का जज्बा उनके दिलों को बेचैन किए हुआ था और उनके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां पेश करना उसने आसान बना दिया था, वो ये नहीं था कि वो भारत आजाद हो जाएगा तो उसके मंत्री बन जाएंगे। वो इस घटिया सोच से बहुत बुलंद लोग थे। उनको, मेरे प्यारे बच्चों, मैं खासतौर पर तुमको एक बात जरूरी बताना चाहता हूं। ये सारे मेहमान तो सब कुछ जानते हैं, उनको जिस बात का गम खा रहा था वो ये कि विदेशी पश्चिमी ताकतों के आने की वजह से भारत की गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति खतरे में थी। हमारे इस देश की जो एक विशेषता रही है, जिसको मैं कई बार तुमसे बता भी चुका हूं, वो ये रही है कि हमारे इस मुल्क में, इसकी मिट्टी में और इससे जन्म लेने वाले हर इंसान के अंदर साइंटिफिक तरक्की की सलाहियत और बुद्धि और दिमाग भी है और रूहानियत और आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअल वैल्यूज की सलाहियत भी। आमतौर से दुनिया की मिट्टी में और उस मिट्टी से जन्म लेने वाले लोगों में, मैं किसी का हक नहीं मारना चाहता, सब उसी मालिक की मखलूक हैं और सब उसी एक माँ बाप की औलाद हैं, लेकिन जैसे एक घर में पैदा होने वाले दो बेटों की अलग अलग बाप-बाप नेचर होती है, उस तरह दुनिया में बहुत ही कम जगह पर ये दोनों चीजें इतनी शानदार तरीके से इकट्ठा पाई जाती हैं जितनी हमारे मुल्क में। ये बात मैं किताबों में पढ़ता था बचपन से और मेरे माता पिता, मेरे उस्ताद मुझे बचपन से इस मुल्क की अजमत, इस मुल्क की मोहब्बत मेरे दिल में बिठाने के लिए
इस मुल्क और इसकी मिट्टी की खसूसियतें बताते थे। बाद में जब मेरे मालिक ने मुझको मौका दिया तो मैं दुनिया के बहुत से देशों में गया, तो मैंने अपने तजर्बे और अपने ऑब्जर्वेशन से भी इस बात को बिल्कुल सच्चा पाया। तो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को असल में इस बात का खतरा था कि ये पश्चिमी ताकतें साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो अच्छी क्षमता रखती हैं, लेकिन स्पिरिचुअल और रूहानी वैल्यूज के अतबार से ये बहुत फकीर लोग हैं। माता पिता का जो सम्मान, वालिदैन की और माँ बाप की जो इज्जत हमारे इस देश में की जाती है, पश्चिम के लोग उसको जानते भी नहीं। वहां कुत्ते को ज्यादा मोहब्बत दी जाती है, बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज में भेज दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका में एक मां ने अमेरिकन कोर्ट में अपने बेटे की खिलाफ एक केस दायर किया। मां की शिकायत ये थी कि बेटा 5 मिनट भी मेरे पास नहीं बैठता और 3 घंटे ये रोजाना अपने कुत्ते को देता है। तो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की मां ने, क्या मेरे बेटे को यह ऑर्डर करें कि वो 10 मिनट मुझे भी दे दिया करें, 15 मिनट मुझे भी दे दिया, मैं अकेली हूं। कई हफ्ते कोर्ट में बहस हुई और अमेरिकन हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि कुत्ता तुम्हारे बेटे ने खुद पाला है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो लायबिलिटी है, वो 3 घंटे दे या 5 घंटे दे तुमको ऑब्जेक्शन करने का कोई हक नहीं, तुम्हारे लिए ऑल्टरनेट मौजूद है, तुम ओल्ड एज में चली जाओ। इसलिए हम बेटे को ऑर्डर नहीं कर सकते कि वो तुमको 5 मिनट दे, अगर दे तो ठीक है, न दे तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश की आजादी की तहरीक चलाने वालों को असल में ये डर था और वो ये महसूस कर रहे थे कि 150 साल तो हो चुके, 200 साल होने वाले, कई जनरेशन नई आ गई, कई पीढ़ियां आ गई, अब अगर यही सिलसिला और चला तो वही कल्चर यहां भी आ जाएगा और यहां जो वाले माँ बाप के पैर छूने का जो कल्चर है, माँ बाप की इज्जत करने का जो कल्चर है और माँ बाप की खिदमत करने का जो कल्चर है, वो सब खत्म हो जाए। इसी तरह की और बहुत सी चीजें थी जिसकी वजह से उनको ये लगता था कि हमें इस विदेशी ताकत को अपने देश से बाहर निकालना हो। तो सब ने मिलकर इस आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी। कोई उसको सोच भी नहीं सकता था कि बाद में इस देश के लोग ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। कोई उसको सोच भी नहीं सकता, सपने में भी शायद ये बात उसको नजर नहीं आ सकती थी। सब एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो आजादी की तहरीक के बहुत बड़े लीडर थे और जिन्होंने अपनी जिंदगी के 24 साल जेल में गुजारे, उन्होंने अपनी अहमदाबाद जेल की कहानी लिखी है कि रोजाना तहज्जुद की नमाज के वक्त में, यानी जो नमाज रात के आखिर में पढ़ी जाती है सुबह की नमाज के पहले, आजकल के लिहाज से, यहां के टाइम के लिहाज से मसलन 4 बजे 3:30 बजे उठना होता है, तो मोहम्मद अली जौहर ने लिखा है कि रोजाना मेरी बैरिक में आकर महात्मा गांधी मुझे जगाया करते थे कि मोहम्मद अली ये वक्त आपके पैगंबर की नमाज का है, उठिए नमाज पढ़िए। ये रिश्ते थे लोगों के आपस में, इतना अदब लोग करते थे एक दूसरे के धर्म का,
एक दूसरे के अकीदे का, एक दूसरे के कल्चर का, एक दूसरे की तहजीब का, एक दूसरे की भावनाओं का। और इसी से तो ये जंग जीती गई। आप सोचो जरा मेरे बच्चों, ब्रिटिश सरकार दुनिया की मजबूत तरीन सरकार थी। ये वो सरकार थी जिसके बारे में कहा जाता था कि द सन डज नॉट सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर। बर्तानिया के साम्राज्य में सूरज डूबता ही नहीं, क्योंकि सैकड़ों मुल्कों पर उनकी हुकूमत है। तो अगर कहीं सूरज डूबता है तो कहीं और सूरज निकल भी रहा होता है। और यहां भी बर्तानिया की एक अंग्रेज की सरकार और वहां भी अंग्रेज की सरकार। इतनी मजबूत सरकार को देश को छोड़ने पर मजबूर कर देना, और वो भी अहिंसा के साथ, वो भी नॉन वायलेंट स्ट्रगल के साथ, ये तारीख में सोने के हरूफ से लिखा जाने वाला कारनामा है। अगर आज मुसलमान देश की आजादी में हिस्सा लेने वाले नॉन मुस्लिमों की कुर्बानियों को भूल जाएं तो ये भी जुल्म होगा। और आज अगर नॉन मुस्लिम लोग, आज अगर हमारे दूसरे भाई शेख उल हिंद की कुर्बानियों को भूल जाएं जो 4 साल माल्टा की जेल में रहे थे, आज अगर हमारे दूसरे भाई मौलाना हुसैन अहमद मदनी की कुर्बानियों को भूल जाएं, मोहम्मद अली जौहर की कुर्बानियों को भूल जाएं, स्कूलों और कॉलेजों के करिकुलम में कहीं नाम भी नहीं आता इन लोग, हमारे करोड़ों बच्चे जानते ही नहीं, उनको 2-4 नाम याद है, उनको कुछ खबर नहीं है, ये अन्याय की बात है, ये बहुत दुख की बात है। और ये इस बात की दलील है कि हमारे दिल छोटे हो गए। इस देश को सिर्फ वो लोग सही डायरेक्शन में चला सकते हैं जिनका दिल बड़ा। मैंने एक मरतबा श्री अटल बिहारी वाजपेयी से, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मेरी उनकी 2 मुलाकातें हुई। वो चूंकि लखनऊ से इलेक्शन लड़ते थे इसलिए हमारे उनके वो रिश्ते भी थे, संबंध भी थे। और चूंकि वो बड़े एक कवि भी हैं, पोएट भी हैं, और हमारा खानदान भी लिटरेचर का शहदाई है, तो हमारा ये रिश्ता भी उनसे था। तो मैंने एक बार अटल जी से कहा था कि अटल जी, भारत जो है ये सऊदी अरबिया नहीं है, भारत इजराइल नहीं है, और भारत नेपाल भी नहीं है, भारत भारत है। इसको किसी एक विशेष समुदाय का देश बनाने की कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसको तो तरक्की वही देगा जिसका दिल बड़ा होगा। बहुत रंग के लोग हैं यहां, और इस देश की तरक्की के लिए ये जरूरी है। इसके बच्चों, जो बात तुमको इस मदरसे में पढ़ाई जाती है, देश से मोहब्बत करना, मुल्क के वफादार रहना, मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जान कुर्बान करना, बार बार तुमको ये बात याद दिलाई जाती है कि तुमको यहां इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि तुमको डिग्रियां मिल जाए और तुमको बड़ा जॉब मिल जाए और तुम भी कुछ पैसे कमा लो। ये जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। तो बहुत सस्ते दामों अपनी जिंदगी को बेच देने का जुर्म है। तुमको इसलिए यहां पर तालीम दी जा रही है, और यहां जो तुमको शिक्षा दी जा रही है उसमें उन तमाम चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है जो आज अलग अलग हो गई है। जहां अरबी पढ़ाई जाती है वहां उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, साइंस नहीं पढ़ाई जाती, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। जहां इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाई जाती है, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, वहां दीनी तालीम और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। इसीलिए आज देखो हमारे कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो देश के धन को लूट रहे हैं। रोजाना जो अखबारों में खबरें आती हैं बड़े बड़े स्कैम्स की, बड़े बड़े स्कैंडल्स की, चंद हजार रुपए की चोरी का रिवाज खत्म हो गया, वो तो न्यूज ही नहीं बनती। अगर आप किसी अखबार में खबर भेजें कि 5 लाख रुपए का करप्शन पकड़ा गया,
मेरे ख्याल में कोई पत्रकार इसको छापेगा ही नहीं, ये भी कोई न्यूज है। 85 लाख करोड़ का करप्शन पकड़ा गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, ये न्यूज है, इसको छापते हुए अखबार वालों को मजा आता है। खुदा कहे कोई पत्रकार यहां बैठे हो उनको मसाला न्यूज पे छापने में मजा आता। 85 लाख करोड़, जरा कोई साहब लिख कर दिखाएं इसको, एक नए जीरो में जरूर गलती करेंगे ये लोग। इतनी बड़ी चोरियां जो कर रहे हैं ये बेपढ़े लिखे लोग नहीं है, पहले जमाने में बेपढ़े लिखे लोग चोरी करते थे, ये लोग जो देश का धन लूट रहे हैं और इतनी बड़ी चोरियां कर रहे हैं ये बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में इन्होंने पढ़ा है। ऐसी तालीम देने से सिवाय लुटेरे पैदा होने के और कुछ पैदा नहीं होता, मुझे माफ करें। आज लड़कियों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं अभी चंद महीने पहले लखनऊ गया तो लखनऊ का एक नामी ग्रामी कॉलेज है लॉरिटो कॉन्वेंट कॉलेज, मिनिस्टर्स की गवर्नर्स की आईएएस ऑफिसर्स की बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे वहां पढ़ते हैं, बच्चियां वहां पढ़ती हैं, लड़कियों का कॉलेज है। मैंने देखा कि उस कॉलेज के सामने पुलिस की गाड़ियां लगी हैं, आरएएफ की गाड़ियां लगी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां लगी हैं। क्या भाई कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई मतलब आज कोई खतरा है, कोई जुलूस निकलेगा, ये पुलिस की गाड़ियां क्यों लगी? सर लोगों ने कहा ये तो एक साल हो गया रोज लगती हैं, इसलिए कि जब लड़कियां निकलती हैं तो शहर भर के बदमाश लड़के यहां आ जाते हैं। ये क्या है, इससे देश तरक्की करे? इसलिए यहां वो शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है जिससे एक अच्छा इंसान बने। हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत अच्छे इंसान की। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बच्चों से खासतौर पर इस मौके पर ये बात कहना चाहता हूं कि आप फिर अपने संकल्प को ताजा करो, इस अहम को ताजा करो कि तुम इस देश के वफादार बनकर रहो, तुम इस देश के खिदमत गुजार बनकर रहो, तुम इस देश को और इंसानियत को तरक्की देने के लिए इल्म हासिल करोगे और जिंदगियां कुर्बान करोगे। फिर देखना तुमको जो इज्जत मिलेगी वो बड़े बड़े टाटा और बिरला को भी नहीं मिलेगी। हमारे सामने एक मिसाल है आज जिनकी याद खास तौर पर आती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी जो पर्सनल लाइफ थी मेरे बच्चों, जिन लोगों ने उन्हें करीब से देखा है, एक तो वो समाचार है जो उनके बारे में आमतौर पर लोगों को मालूम है। मेरे एक बहुत करीब के रिश्तेदार उनके चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। पूरे मुद्दत जब तक वो रहे ज्यादातर सिक्योरिटी के इंचार्ज वही रहे। वो जो कुछ मुझे बताते थे और अभी भी बताते हैं प्रेसिडेंट के कैरेक्टर के बारे में, रश आता है क्या फकीर इंसान था। बच्चों जब वो राष्ट्रपति बने, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के वो सदर बने, एक सूटकेस लेकर, पुराना सूटकेस लेकर वो राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए थे और 5 साल पूरे करने के बाद जब वो राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले तो उनके पास वही एक पुराना सूटकेस था। एक नया पैसा, मैं कसम खा के कहता हूं, उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद नहीं कमाया। मिसाइल मैन तो और भी हो सकते हैं और हमारे मुल्क में साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी के माहिरीन लोग और भी हैं, उनकी ये इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों में क्यों नहीं है? इसलिए कि इज्जत और मोहब्बत फकीरी से होती है, मालदारी से नहीं। राष्ट्रपति भवन में 360 के करीब कमरे हैं। जब प्रेसिडेंट कलाम पहले दिन उसमें दाखिल हुए और वहां के प्रोटोकॉल के मुताबिक जो राष्ट्रपति भवन के चीफ इंचार्ज थे सिक्योरिटी के और दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने कंप्यूटर पर बिग स्क्रीन पर पूरे राष्ट्रपति भवन का नजारा कराया
प्रेसिडेंट का नाम को, तो हर प्रेसिडेंट को कराया जाता है जब वो पहली बार राष्ट्रपति भवन में आते हैं। उनको दिखाया कि ये मुगल गार्डन है, ये बाहर के आने वाले मेहमानों से मुलाकात